हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 5th का हमारा फर्दर पार्ट। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि बहुत सारे पेपर्स के कटआउट्स हैं जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कहाँ कहाँ माइनिंग के कारण क्या क्या चीजें हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, और 50% ऑफ कोल बेल्ट माइंस अनसेफ हैं। कोल यूनिट फाइंड रुपीज 3000 करोड़ इन डैमेज। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वे आर नॉट इन प्लेस। मतलब यहाँ पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो नहीं रखे गए हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं माइनिंग के, उसके ऊपर ही कटआउट्स हमें यहाँ पर न्यूज़पेपर के दिए गए हैं। स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं और इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं एनवायरमेंटल लॉज के, ये बहुत ही इसेंशियल हैं ताकि हम रोक सकें, प्रिवेंट कर सकें माइनिंग को बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्री। मतलब माइनिंग जो है ये, इससे पहले कि बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे ऊपर डाल सके या डाले, इसके लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लेना बहुत ही ज़रूरी है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं। अब ये मिनरल्स को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, संभाल के कैसे रख सकते हैं। तो वी ऑल एप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स एंड द सब्सटेंस मैन्युफैक्चर फ्रॉम देम। मतलब हम इस चीज़ को बहुत ही, इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं या इसकी तारीफ करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस जो है इंडस्ट्री का और एग्रीकल्चर का अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स, मतलब मिनरल डिपॉजिट्स पे इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड है, और जो सब्सटेंस वो फॉर्म करती हैं उसे हम अप्रिशिएट करते हैं। टोटल वॉल्यूम जो है वर्केबल माइन मिनरल डिपॉजिट्स का, ये एक इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन है। मतलब 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट, ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल अगर वॉल्यूम देखें तो वर्केबल माइन डिपॉजिट जो है, या जहाँ से हमें कुछ चीज़ मिल सकती है, वो सिर्फ 1% है अर्थ के क्रस्ट में। वी ऑल रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज, और हम लोग बहुत ही रैपिडली या बहुत ही फास्ट तरीके से इन मिनरल्स रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। दैट रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी क्रिएट एंड कॉन्सेंट्रेट। जबकि ये मिनरल्स जो हैं, इन्हें फिर से बनने के लिए, क्रिएट होने के लिए, कॉन्सेंट्रेट होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं बहुत ही रैपिडली। अगर पूरी तरह से हम इसे ख़त्म कर देंगे तो ये फिर से रिक्रिएट नहीं हो पाएंगे। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं मिनरल फॉर्मेशन की, ये बहुत ही स्लो है। जो रेट्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट है ये इन्फिनाइटली स्मॉल है इन कंपैरिजन टू प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन। मतलब ये कह सकते हैं कि हम जिस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं या उसे यूज़ कर रहे हैं, वो रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू वो रेट जहाँ पर वो प्रोड्यूस हो रहा है, जिस रेट पर वो प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब अगर कहें कि वो 10% बनता है या प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम उसे 50% यूज़ कर रहे हैं, तो ये कैसे मैनेज होगी चीज़। अगर इस तरह से हम इसी तरह से इसी रैपिडली वे में यूज़ करते रहेंगे, रैपिड वे में, तो डेफिनेटली एक दिन हमें इस चीज़ को खोना पड़ सकता है, या एक्सटेंशन की फेज पर आ चुकी है ये चीज़, या ख़त्म होने वाली है। मिनरल्स रिसोर्सेज जो हैं ये इसीलिए फाइनाइट और नॉन रिन्यूएबल हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा है मिनरल रिसोर्स और ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिच मिनरल्स जो हैं, मतलब कह सकते हैं कि ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, जो कि लिखा हुआ है, ना तो ये रिन्यू होते हैं, फाइनाइट है, बहुत ही कम है, तो इसीलिए हमें इन्हें संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। रिच मिनरल डिपॉजिट जो है हमारी कंट्री के एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है, या बहुत ही कीमती है, बट शॉर्ट लिव पोजिशन में है। मतलब कह सकते हैं कि उनकी लाइफ बहुत कम होते जा रही है, या अब उन्हें मौका नहीं मिल रहा है अपने आप को और ज्यादा क्रिएट करने का। कंटिन्यू एक्सट्रैक्शन हो रहा है ओर्स का, जिसके कारण इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट एज अ मिनरल एक्सट्रैक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ अलॉन्ग विद डिक्रीज इन क्वालिटी। मतलब अब जो कि हमारे पास में कम चीज थी, कम मिनरल मिल रहा था, अब और डेप्थ में जाकर हमें देखना पड़ता है जमीन में, और ज्यादा हमें माइनिंग की प्रोसेस को यूज करना पड़ता है एक्सट्रैक्शन के लिए, बहुत मुसीबत आती है, और उसके बाद भी हमें क्वालिटी जो है उस मिनरल की वो अच्छी नहीं मिल पाती। कॉन्सर्टेड एफर्ट जो है वो बनाए जाते हैं या लिए जाते हैं ताकि यूज़ कर सके मिनरल रिसोर्सेज को इन अ प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर। इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो सके। तो यूज ऑफ लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट, रिसाइकलिंग जो है मेटल का, यूजिंग स्क्रैप मेटल्स और अदर सब्सटीट्यूट्स, ये स्टेप है कंजर्व करने के लिए हमारे मिनरल रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें, मतलब ऐसे रिसोर्स जिससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी जो है ये रिक्वायर की जाती है सारी एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि हम जानते हैं कि एनर्जी बहुत ही वाइटल या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ नीडेड टू कुक करने के लिए, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, लाइट और हीट प्रोवाइड करने के लिए, प्रोपेल करने के लिए व्हीकल्स को, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, ड्राइव करने के लिए मशीनरीज को, इंडस्ट्रीज में हमें एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है।
एनर्जी जो है ये जनरेट की जाती है फ्यूल मिनरल्स से, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, और फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं ये क्लासिफाई किए गए हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के रूप में। कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर आता है फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, बोथ हाइडल और थर्मल, दोनों इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो है मतलब जहां से हमें एनर्जी मिलती है जो नॉन कन्वेंशनल है, जैसे सोलर, विंड, टाइडल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। फायरवुड और कैटल डंग केक जो है ये मोस्ट कॉमन होते हैं रूरल इंडिया में, मतलब जहाँ गांव और ये सब होते हैं वहां पे हमें इजीली कैटल डंग आपको मिल जाते हैं जिससे एनर्जी इजीली जनरेट हो सकती है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है रूरल हाउसहोल्ड में ये दो चीजों से ही हो जाता है। मतलब गांव की बात करें अगर इंडिया में तो 70% गांव के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सिर्फ फायरवुड और कैटल डंग से ही मिल जाती है। कंटिन्यूएशन जो हो रहा है इन दिस इंक्रीजिंगली बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया। अब कंटिन्यूएशन इन चीज़ों का बहुत ही इंक्रीज जो हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण डिफिकल्टीज आ रही हैं क्योंकि फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज होते जा रहा है। मोर ओवर यूजिंग डंग केक टू इज बींग डिस्करेज बिकॉज इट इज कंज्यूम मोस्ट वैल्यूएबल मैन्योर विच कुड बी यूज इन एग्रीकल्चर। और अब जो कि काउ डंग की बात करें तो उसके लिए भी ये क्या हो रहा है कि मैन्योर्स जो यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर में वो मैन्योर्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, जिसके कारण एक तरह से कह सकते हैं जो कंज्यूम वो करते हैं काउज जो करेंगी मतलब कंज्यूम करती हैं तो वो बहुत ही वैल्यूएबल मैन्योर होता है जो एग्रीकल्चर में लगता है। तो यहाँ पर एक तरह से मैन्योर का जो रूप मैन्योर के रूप में भी काउ डंग का यूज किया जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी की बात है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती है। यहाँ पर ये जो कन्वेंशनल सोर्स है ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है क्योंकि इसे मैन्योर के रूप में भी यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर में। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कोल की बात करते हैं तो इंडिया में कोल मोस्ट एबंडेंटली या बहुत ही हाई क्वांटिटी में अवेलेबल है फॉसिल फ्यूल के रूप में। ये प्रोवाइड करता है एक सब्सटेंशियल पार्ट को नेशन के एनर्जी नीड्स के लिए। ये यूज किया जाता है पावर जनरेशन के लिए, सप्लाई करने के लिए एनर्जी को इंडस्ट्रीज को, मतलब इंडस्ट्रीज को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एज वेल एज डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी। इंडिया हाईली डिपेंड है कोल के ऊपर ताकि अपने कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके या मीट कर सके। जैसे कि आप ऑलरेडी अवेयर हैं या जानते हैं कि कोल जो है ये कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल से होता है। मिलियंस ऑफ इयर्स तक अगर कोई प्लांट जो है वो कंप्रेस होते 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 जमीन के अंदर चले जाता है तो बहुत मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद में या मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद में वो प्लांट जो है धीरे धीरे कन्वर्ट होता है कोल में। कोल इसीलिए फाउंड होता है वेराइटी ऑफ फॉर्म्स में और ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कंप्रेशन पे और डेप्थ पे और टाइम ऑफ ब्यूरल पे, मतलब वो प्लांट कब से उस जमीन के अंदर बरीड किया गया है और कितनी डेप्थ में वो मिला है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कोल की क्वालिटी। डीकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प्स प्रोड्यूस पीट। डीकेइंग प्लांट्स जो होते हैं या जो डीके हो चुके हैं वो प्लांट्स को स्वैम्प करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं एक पीट को जिसमें लो कार्बन और हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है और लो हीटिंग कैपेसिटी होती है। लिग्नाइट जो है एक लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है, नाम है लिग्नाइट एक कोल का जो ब्राउन कलर का होता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व करता है नयवेली में जो तमिलनाडु में है और ये यूज किया जाता है जनरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी के। कोल जो है ये बरिड किया जाता है अगर डीप में बरिड किया गया है एंड सब्जेक्ट टू इंक्रीज टेम्परेचर तो होता है बिटुमिनस कोल और ये मोस्ट पॉपुलर कोल होता है कमर्शियल यूज के लिए। मेटलर्जिकल कोल जो है ये हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल होता है जो स्पेशल वैल्यू करता है या गेन करता है, स्पेशल वैल्यूज की होती है वो स्मेल्टिंग आयन के लिए होता है इन ब्लास्ट फर्नेसेस। एंथ्रासाइट जो है ये हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल होता है। इंडिया में कोल ऑकर होता है इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस, एक है गोंडवाना एक लिटिल ओवर 200 मिलियंस ईयर इन एज और एक टर्शरी डिपॉजिट्स व्हिच आर ओनली अबाउट 55 मिलियंस ईयर ओल्ड। मेजर रिसोर्सेज जो है गोंडवाना कोल के जो एक मेटलर्जिकल कोल है ये लोकेट किए गए हैं, ये देख सकते हैं आप कोल माइंस कहाँ है, ऑयल की फील्ड्स कहाँ है, कोल फील्ड्स कहाँ पर है, मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स और ये सिंबल्स के थ्रू हमें बताए गए हैं मैप में। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाई क्वालिटी के कोल और बाकी कोल की जो चीजें वो कहाँ कहाँ मिल रही हैं तो एक दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झारिया, रानीगंज,
बोकारो ये इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स है, गोदावरी, महानदी, सन एंड वर्धा वैली जो है ये कंटेन करती है कोल डिपॉजिट्स को। टर्चरी कोल ऑकर होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। रिमेम्बर आपको एक बात याद रखनी है कि कोल जो है एक बल्की मटेरियल है जो बल्क में मिलता है, विच लूजेस वेट ऑन यूज एज इट रिड्यूस टू ऐश। मतलब ये जब जल जाता है या बर्न किया जाता है तो ये अपना वेट लूज कर देता है या फिर कम कर देता है, लाइट वेट बन जाता है, क्योंकि ये ऐश में जब कन्वर्ट होता है तो इसके अंदर का जो मटेरियल है वो कह सकते हैं कि उड़ जाता है या उसका वेट लॉस हो जाता है। और इसीलिए हैवी इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर स्टेशन जो हैं जो लोकेट किए जाते हैं वो नियर द कोल फील्ड्स ही होते हैं या कोल फील्ड्स के आसपास ही बनाए जाते हैं ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ईजी हो। जैसे कि हमें पहले बताया कि बल्की मटेरियल है, थोड़ा हैवी होता है और जैसे ही यूज होता है और ऐश में कन्वर्ट हो जाता है तो ये लाइट वेट हो जाता है, अपना वेट जो है वो लूज कर देता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, पेट्रोलियम और उसके आगे के पार्ट जो हैं वो हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।